भारतवासियों को मेरा सादर प्रणाम। रेडियो के माध्यम से, किंग्स विजन चैनल के माध्यम से आप लोगों से गुहार लगाता हूँ। इस टाइम जो केरला, हिंदुस्तान की साउथ सिटी का जो केरला स्टेट में कितना बड़ा नेचुरल डिजास्टर आया हुआ है, उसके नुकसान से वहाँ के लोगों को उनकी दिनचर्या में कितना बड़ा खलल पड़ा है, वो हम सब अच्छी भली भांति जानते हैं। सारा न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल हम लोगों को बराबर बता रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उन लोगों की हम किस तरह से मदद करें। बहुत से लोग होंगे हमारे आसपास, कर भी रहे होंगे बहुत अच्छे से, और इस मदद को हमें काफी निचले लेवल तक हर आदमी की इन्वॉल्वमेंट, कहने का मतलब है, होनी चाहिए। चाहे मैं अपने घर से 1 किलो चीनी दूं, अगर इसी तरीके से सब थोड़ा थोड़ा अपने अपने घर से मुट्ठी मुट्ठी भर भी अपने फैमिली बजट में कटिंग कॉस्टिंग करके या कैसे भी थोड़ा थोड़ा भी मदद करेंगे, तो हम 1 अरब हिंदुस्तानी ऐसे 10 जो नेचुरल डिजास्टर आने वाले हैं ना, उनके लिए भी तैयार हो जाएंगे। पर सबको थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि वो भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है और नेचुरल डिजास्टर कहीं भी आ सकते हैं, तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। इंसान पैसा नहीं खाता, पैसे से नीड पूरी नहीं होती। उस पैसे को हम दे भी देंगे किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, एनजीओ को, तो उससे खरीदेंगे क्या? वो वही चीजें खरीदेंगे जो उनकी नीड है, जिसे हम कहते हैं खाना, भोजन, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो क्यों ना हम उन्हीं सब चीजों को अपने आसपास लोगों से कनेक्ट होकर, किसी एनजीओ से कनेक्ट होकर, इतना सब हम सोशल नेटवर्किंग साइट और यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक पे हम अपडेट रहते हैं, तो ज्यादा टाइम न लेते हुए सबको मेरा मैसेज मिल ही गया होगा। तो किंग्स विजन के माध्यम से मैं संजय कनौजिया आप लोगों से गुहार करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि किसी न किसी तरीके से उन लोगों तक हेल्प पहुंचाई जाए, उन लोगों को इसकी ज्यादा जरूरत है। आज हम अपने घर में सेफ एंड साउंड बैठे हैं, हमें वहां का एहसास नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं हमारे जो फर्ज हैं वो हम भूल जाएं। कल को हमारे ऊपर भी बीत सकता है, किसी को नहीं पता। नेचुरल डिजास्टर कहीं भी आ सकता है। पिछले 3 साल से हम ये चीज झेल रहे हैं, गुजरात, फिर चेन्नई, अब इस टाइम केरला। तो सबसे हाथ जोड़ के सादर विनय विनती है, अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरे चैनल का नाम है किंग्स विजन। आप सभी के चैनल का नाम है किंग्स विजन। और जिस तरह से आप सभी भाई लोग मेरी वीडियोस और बाकी सारी चीज़ों को लाइक करते हैं और बहुत अच्छे से देखते हैं मेरी सारी वीडियोस को, उसी तरह इस वीडियो को भी, 5 मिनट की वीडियो, लेकिन आप सब भाइयों ने अगर इस पर गौर किया तो कई जिंदगियां बच सकती है आज, कई घर वापस से बच सकते हैं, कई बच्चे वापस से स्कूलों की ओर वापस से जा सकते हैं, कई माँ बाप अपने बच्चों को मरता हुआ देख रहे हैं, हो सकता है आपके इस एक कदम से उनके घर में जो अंधकार छाया हुआ है वापस से उजाला उसमें आ जाए, उनकी जिंदगी की रोशनियों के चिराग वापस से चमक जाए। तो आज मैं आपके सामने आया हूँ इसलिए कि केरला में अभी जो बाढ़ की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है, कई घर उजर गए, कई जिंदगियां बर्बाद हो गई, किसी का बेटा बिछड़ गया, किसी की माँ बिछड़ गई, किसी का बाप बिछड़ गया, बहुत सारे लोगों ने वहां पे बहुत कुछ खो दिया है। लगभग पूरा केरला, 90% बोल रहे हैं केरला पूरा बर्बाद हो गया है, और जो भी उस बाढ़ की चपेट में आए, जितने भी लोग उसमें, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, सबसे पहले तो मेरे चैनल की ओर से और हम सब यूट्यूबर्स की ओर से उन सभी की आत्माओं को श्रद्धांजलि दे रहे हैं हम लोग। भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे। और ये ऊपर वाले का कहर है, ये कहीं भी हो सकता है। आज केरला के ऊपर अगर ये परिस्थिति है तो भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, अल्लाह ना करे, कल हम पे भी ये कंडीशन आ सकती है। तो वीडियो आपके सामने आने का रीजन ये था कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आप सभी लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि आप जितना हो सके उतना डोनेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के नीचे, आपको गवर्नमेंट की एक वेबसाइट दिखेगी जहां से आप डोनेट कर सकते हैं, 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये। पेटीएम ने भी अभी बहुत अच्छी सुविधाएं निकाली है। सिर्फ हमारी वीडियो के माध्यम से या हमारी वीडियो के नीचे अगर आपको कोई लिंक दिख रही है तो उस पर डोनेट करना, ऐसा नहीं है। आपके मन से भी
पेटीएम ने भी अभी बहुत सिंपल कर दिया है, केरला ग्रस्त केरला में जो बाढ़ पीड़ित है उनके लिए पेटीएम से भी आप सिंपली आप डोनेट कर सकते हैं। तो आपके एक छोटे से कदम से हो सकता है किसी की एक टाइम की भूख मिट जाए और किसी का हो सकता है कि दो दिन की भूख भी मिट जाए। तो ऊपर वाले ने आपको बहुत कुछ दिया होगा और हम लोग जो भी पिजन लवर्स हैं बहुत खर्च करते हैं, वैसे ही पिजन्स लेते हैं हम लोग, बहुत महंगे महंगे भी ले लेते हैं, वो तो सबकी अपनी अपनी हैसियत के हिसाब की बात होती है। लेकिन जिस तरह से बाढ़ ने ये नहीं सोचा कि बाढ़ में कौन मर रहा है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसी तरह आप भी डोनेशन करने में बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। मैं हर उस इंसान से जो मेरी वीडियो देख रहा है अभी ध्यान से और मेरे चेहरे की ओर देख रहा है, तो आज आपसे सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि जितने भी लोग वहां पे फंसे हुए हैं उनकी मदद कीजिए, हम सब एक हैं, हम ये दिखाने के लिए आपके सामने आए हैं आज। और मैं चाहता हूं कि आप भी इस तरह की वीडियोस को फॉरवर्ड कीजिए, यूथ जो भी है, नए जनरेशन है, उन सब तक ये बात पहुंचाइए ताकि पूरे इंडिया से नहीं तो इंडिया के कोने कोने से डोनेशन पहुंच सके केरला में। तो जितने भी भाई है बिल्कुल दिल खोल के जितनी आपकी हिम्मत है, जितनी आपकी हैसियत है, उसके हिसाब से आप डोनेशन कीजिए ताकि वहां पे एक जिंदगी वापस से बच जाए। तो मिलते हैं आपसे एक अच्छी सोच के साथ, जब तक के लिए अपने दोस्त जीत ठाकुर को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। सभी भाइयों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि हम जो है अपना केरल में जो फ्लड आया हुआ है उसके व्याप में हम ये बना रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी दोस्त साथी जितने भी हैं, जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा जो भी अमाउंट केरला के रिलीफ फंड के अंदर डाल सकते हैं, डालें। रिलीफ फंड का जो पीएम रिलीफ फंड है उसके अंदर डालें, उससे जो है उनकी वहाँ मदद होगी। और फ्लड तो आपने देखा ही है, बहुत वैसे आया हुआ है और केरला इस वक्त बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी दोस्त, मेरे सभी भाई, मेरे सभी रिश्तेदार थोड़ा थोड़ा ही डालें, या जिसकी जितनी इस्तेतात है या जितनी जिसकी कैपेसिटी है उतना फंड जो है वो उसके अंदर पीएम फंड के अंदर डालें। और फंड का जो नंबर है वो भी हम इसके ऊपर आपको दिखाएंगे, है ना, वो नंबर भी आप लोग नोट कर लें। और मेरी आप सभी से दरख्वास्त है, आजिजाना दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 इस फंड के अंदर जो है सबके सब पार्टिसिपेट करें। और फंड जो है इसको, मतलब हमारी जो आपदा आई हुई है, जो मुसीबत आई हुई है केरल पे, उससे निपटने में हमारे जो देश है उसको, उसकी मदद करें, ठीक है ना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो भी जिसकी इस्तेतात है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से इसके अंदर जो है आप सपोर्ट करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है औरंगजेब शेख और मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ और यूट्यूब मेरी चैनल का नाम है, वो भी औरंगजेब शेख ही है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का असल मकसद ये है कि अब हम सब बेहतर हाल से जानते हैं कि केरल में किस तरह की तबाही आई और किस तरह के मुसीबतों का सामना केरल के लोगों को उठाना पड़ा। तो उसी मुहिम को लेके हम सारे यूट्यूबर्स जो इस शौक को आप लोगों तक लेके आ रहे हैं, उन सभी यूट्यूबर्स ने अपने अपने राय और अपने अपनी जो बात रखी है वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बात का मकसद ये है कि हमने कुछ ऐसी वीडियो भी अंदर ऐड की है ताकि आप लोगों को घर बैठे उनकी मदद करने का बिल्कुल आसान तरीका जो है वो हमने वीडियो के माध्यम से दिखाया है। तो बात का मतलब, जितना हो सके ये मैसेज को आगे शेयर करें, जो लिंक्स हैं और जो भी वेबसाइट है जो आगे आपको देखने को मिलेगी उसको शेयर करें। हमारे साथ जुड़े हुए जीत भाई है किंग्स पिजन से, इमरान भाई है भोपाल पिजन से, ये सभी ये काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी हमारे को सपोर्ट करें और केरल वालों को सपोर्ट करें, केरल की आवाम को सपोर्ट करें और उनकी जितना हो सके आपकी तरफ से जितनी हो सके, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा अमाउंट से उनको मदद करें, आपसे जितना हो सके, जिससे जितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप उनकी मदद करें, लेकिन करें ज़रूर। बस बोलने का मतलब यही था, मकसद यही था
केरल वालों के लिए दुआ करना, हमारे लिए भी दुआ करना पूरी उम्मत के लिए। भाइयों नमस्कार, मैं जितेश सोनवाल कोटा राजस्थान से, मेरे चैनल का नाम है जितेश सोनवाल कोटा राजस्थान और मैं राजस्थान पिजन्स बताता हूँ। अभी चैनल बनाया है मेरे भाइयों, और जो हमारे इमरान भाई हैं और जीत भाई हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और जो जो ये इनकी सोच है बहुत ही अच्छी है। जो इन्होंने मुझे बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सभी भाई जो मेरे पिजन शॉकिंग हैं और जो यूट्यूबर्स हैं भाई, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन वो जो केरला में जो तूफान बारिश का जो जो तेज नेस जो मंजर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों से ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हमारे जो भी पिजन शॉकिंग हैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी भी चीज़ में खाने से लेके कपड़े तक और पैसे तक जो भी आपसे बने, आप प्लीज़ सपोर्ट करिए। और हमारे व्यूअर से भी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सपोर्ट करिए, जो जो भी डोनेशन दे सके वो दे, क्योंकि हमारे जो हमारे देश का जो भाग है केरला, वहाँ पे बहुत बड़ी आपदा आ चुकी है और ये किसी भी देश में हो सकता है भाइयों। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी आपसे डोनेशन बने वो आप हमें हमारे इस नंबर पर जो जीत भाई ने अकाउंट्स बनाया है उस पर डोनेशन करें। नमस्ते, जय हिंद। तो दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। और भाइयों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। मैं शादा मलिक, पिजन लवर ग्रुप यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है उसकी तरफ से अभी सब भाइयों का मैं ईद के लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ। और भाइयों आज मेरा वीडियो बनाने का एक जो लक्ष्य है, एक जो मेरा आज वीडियो बनाने का जो एक सबसे ज़रूरी जो एक मुद्दा है वो ये है कि अभी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि केरला स्टेट में, इंडिया का जो केरला स्टेट है वहाँ पे बहुत बुरी तरह से कुदरत का कहर छाया हुआ है, बाढ़ आई हुई है, लोग बहुत लोग से मर चुके हैं और माली हालात तो वहाँ बहुत ख़राब हैं, बहुत बड़ा नुकसान है वहाँ की पब्लिक का। तो एक इंसानियत के नाते, एक इंडियन होने के नाते मैं आप सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हमारा फ़र्ज है कि एक इंसान के नाते आपस में एक दूसरे की हम हेल्प करें, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जितना हो सके केरला में बाढ़ पीड़ितों के लिए हम उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें माल से, जान से, जिस लायक भी मतलब हम हैं, क्योंकि हमारे हाथ से एक अच्छा पुण्य काम हो जाए इससे बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने लाइफ में शायद कुछ अच्छे काम किए हों तो ऊपर वाले ने हमें आज वो एक मौका दिया, एक चांस दिया है कि हम किसी के लिए कुछ कर जाएं। ऐसे भी हम बहुत खर्चा करते हैं, मेरे जितने भी पिजन्स लवर मेरे फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी ये मैसेज है, क्योंकि भाई हम बहुत खर्चा करते हैं, हम भी शौक में हैं और कबूतर में भी हम बहुत शौक रखते हैं, बहुत खर्चे होते हैं, तो वो भी एक पुण्य काम है। और ये फ़िलहाल जो पोजिशन है इंडिया की, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं बहुत परेशानी में हैं, बहुत से घर बर्बाद हो चुके हैं, बहुत से लोग वहाँ डेथ हो चुकी है, और आपने भी देखा होगा कि फॉरेन कंट्रीज जो दूसरे देश हैं वो भी हेल्प कर रहे हैं, और इंडिया में भी करीब करीब बहुत लोगों ने वहाँ हेल्प की है। तो मैं आप सभी भाइयों से ये अपील करूँगा कि इस वेबसाइट में, नीचे एक वेबसाइट आ रही होगी स्क्रीन पे, इस वेबसाइट में हो सके ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करें, घर बैठ के भी आप डोनेट कर सकते हैं, पैसा डोनेशन करो जो भी आपके बस की हो मतलब, क्योंकि इसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई अपना कोई अकाउंट या कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है, सिर्फ मेरे हेल्प करने वाली बात है। तो सभी भाइयों से बस यही अपील है भाई, कोशिश करो कि कुछ किसी के लिए अच्छा हो जाए अपने हाथों से, और ऊपर वाला अपनी ये मेहनत कबूल कर ले, और
आगे भी अच्छे काम जिंदगी में ऊपर वाला मौका अगर हमें देता है तो हम जरूर करेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और भाइयों आपका मैं आभारी हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आप भाई मेरा चैनल को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, मेरी वीडियो देखते हो। और मेरा भी आप लोगों पे यही एक मेरा कर्तव्य बनता है कि कुछ भी हेल्प की बात हो या कुछ भी, तो मैं सबसे आगे हूँ आपके लिए, हर तरह की हेल्प के लिए मैं आपके साथ हूँ। कोशिश करो भाई प्लीज़, और प्लीज़ बोल रहा हूँ आपसे, जितना जिससे हो सके वहाँ डोनेट कीजिए। ये एक वेबसाइट नंबर नीचे स्क्रीन पे है, इसमें कीजिए। अगर अदरवाइज इसके अलावा आपके पास और है पहले से कहीं न्यूज़ में आपने देखा है या आपको कुछ और लिंक मिलता है तो भाई उसमें भी कीजिए। कोशिश करो कि वहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माई फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नौशाद और मेरा यूट्यूब पर चैनल है कुंवर नौशाद के नाम से। तो जैसे आज हम सारे यूट्यूबर्स ने डिसाइड किया था, जैसे इमरान भाई हैं भोपाल पिजन्स के नाम से, इमरान भाई और अमन प्रभाकर हैं, जीत ठाकुर हैं और दो तीन लोग हैं, मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन उन सबकी वीडियो मेरे बाद आपको दिखाई देगी। तो हो सकता है मेरे बाद दिखाई दे और जो खुद अपलोड करेंगे तो मुझसे पहले दिखाई देगी। तो आज का हमारा वीडियो बनाने का भाई मकसद जो है वो है केरला में जो फ्लड आया हुआ है। केरला में काफ़ी भयंकर बाढ़ आई हुई है, वहाँ की 85% पॉपुलेशन जो है बिल्कुल बर्बाद हो गई, उनका रहने का खाने का जो काम था वो सब बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। तो आप न्यूज़ देख रहे होंगे, उसमें आपको पता चल रहा होगा कैसी कैसी बाढ़ आ रही है, कैसे कैसे भयानक है। अल्लाह सब पर रहम करे। और तो भाई आज का टॉपिक ये है कि हम क्या डोनेट कर सकते हैं। एक तो हम दुआ कर सकते हैं, वो हम करेंगे सब इंशाल्लाह। और भाई जो जिसकी हैसियत है उस हिसाब से डोनेट करे, ठीक है ना, जिसकी जो हैसियत है उस हिसाब से डोनेट करे, ये नहीं कि इतना करना है। और चुपचाप जैसे एक तो देखिए बैंक मेथड जो आएगा, जो हम बैंक में जाके जमा करा सकते हैं, वो इस साइड में आ जाएगा, मैं यहाँ पर पिक्चर डाल दिए हम, ठीक है। और दूसरा मेथड ये है ऑनलाइन पोर्टल का, हम kerala.gov.in पर जाकर वहाँ पर एक राइट साइड में डोनेट का ऑप्शन आएगा, वहाँ क्लिक कर अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जितने से ज़्यादा हो सके उतनी हेल्प करिए और अल्लाह से दुआ करिए कि उन सबको जल्दी ठीक करें वहाँ पर, जो भी है ठीक है, शुक्रिया। सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं इमरान खान फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ भोपाल पिजन्स के अंदर। और फ्रेंड्स ये छोटा सा एक वीडियो है स्पेशली आज एक स्पेशल कोर्स के लिए। जैसा कि आप सबको पता है केरला के अंदर फ्लड आया हुआ है और कई लोग बहुत परेशान हैं, तो उसके लिए एक हमारी जो यूट्यूब कम्युनिटी है पिजन्स वालों की, तो उन सब की तरफ से एक आपसे छोटी सी अपील है कि जितना हो सके कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है आप प्लीज़ उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और उनको डोनेट कीजिए। और अकाउंट नंबर मैं ऑलरेडी दे रहा हूँ आपको, इधर अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, तो इस अकाउंट में आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं हर चीज़ से। और एक QR कोड भी है, QR कोड जो अपना साइड में है, ये इस QR कोड से भी आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं केरला रिलीफ फंड में, जो कि सीधे केरला गवर्नमेंट को जाएगा। और इस नियत से करें कि मेरा जो ये छोटा सा भी पैसा है जितना भी मैं डाल रहा हूँ वो बहुत जायज़ कमाई का है, और ऊपर वाले से दुआ कीजिएगा वो जायज़ तरीके से यूटिलाइज़ हो, क्योंकि कई लोगों का मन ये होता है कि दें नहीं दें हमारा पैसा यूटिलाइज होगा नहीं होगा, लेकिन सब नियत बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर आपकी नियत साफ़ है तो ऊपर वाला आपका पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करवाएगा। तो ये एक छोटा सा क्लिप थी सिर्फ इसी रीज़न के लिए, मैंने भी कर दिया है, आप भी ज़रूर कीजिए, हमारे जितने दोस्त हैं उन सब ने करा है। और अमाउंट की कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये ज़रूरी है कि आप डोनेट करें चाहे कितना ही हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये छोटी सी अपील, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, जहां हम सब यूट्यूबर्स मिलके केरला फंड जो गवर्नमेंट की ओर से अभी एक नया रिलीज कर रहे हैं गवर्नमेंट ने, उसमें मदद का हाथ बार लगा रहे हैं, वहीं पे हमारे प्यारे दोस्त परेश पाटिल उर्फ गोल्डन मैन भी आपसे एक शांति संदेश देना चाहते हैं। तो परेश भाई के पास आए हुए हम लोग डोंबिवली नांदिवली महाराष्ट्र में, तो परेश भाई भी आपसे कुछ बात करना चाहेंगे और हो सके तो आप उनकी बातों पर अमल जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं परेश पाटिल महाराष्ट्र से, आपके सामने आने का मेरा जो उद्देश्य है जो है कि
अभिजीत भाई के साथ बैठा हुआ था। अभिजीत भाई बोल रहे थे कि हम लोग नई एक एक्टिविटी करें। मैंने भी उनसे पूछा कि क्या है, तो क्या है आपकी एक्टिविटी। उन्होंने मुझे बताया जो केरला में अभी जो हुआ है, तो बाढ़ आई है, वो गरीबों के लिए मदद करेंगे हम लोग अपना किंग्स किचन और सारे यूट्यूबर्स सब मिलके कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सब साथ देते हैं, तो सोचा मैं भी कुछ मेरा हाथ भाई लगाऊ। तो आप भी मदद करना चाहते हैं इसमें? हाँ हाँ। तो परेश भाई, अभी वहाँ पे बहुत जान माल का नुकसान हुआ, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा नहीं हुआ, बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं, और अभी हम लोग रोज न्यूज पे देख रहे हैं। तो परेश पाटिल, तो परेश पाटिल जी भी एक्चुअली यहाँ पे एक समाज सेवक के तौर पे बतौर काम करते हैं, बहुत सारी एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं। तो परेश भाई का भी यही एक मैसेज है, सब हाथ लगाओ, थोड़ा थोड़ा करके सब हाथ लगाओ, जो हो सके। जी जी जी, वो दे दो, जितना जिसका जिसका हैसियत है उसके हिसाब से जो भी है आप डोनेट कीजिए। जी, तो परेश भाई भी इसके इस मुहिम में जुड़े, इसके लिए परेश भाई को बहुत बहुत थैंक्स। और आप सभी भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में सभी यूट्यूबर्स ने मिलकर हम लोगों ने ये गुहार लगाई है कि केरला में जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं उसके लिए आप जितना हो सके, जो हो सके आपकी जेब में जितना है उसका 50% या हो सके तो 30% या हो सके तो 10%। भाई बहन ही समझ के चलो, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है भाई, ऐसे समझ के चलो। जी 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 जी, सबको हाथ लगाओ। और हम लोग यहाँ से सिर्फ एक मदद के लिए एक प्रार्थना ही कर सकते हैं, शायद अपने पे आए तो वो अपने को मदद कर सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, सब अपने एक ही है, सब बातें एक ही है। क्या बात है। तो ये हमारे गोल्डन मैन परेश पाटिल साहब, अगर आपको इनकी बात अच्छी लगी और आपके कानों से पहुंच के दिल तक अगर ये बातें पहुंची हो हम सब यूट्यूबर्स की, तो जरूर इसमें आप हेल्प कीजिएगा। आपको इस वीडियो में कई जगह पे बैंक डिटेल्स दी हुई है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, हमारी खुद पर्सनल अकाउंट्स नहीं है ये जिसमें आप डोनेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अकाउंट में आप डोनेट कर रहे हैं। तो ये आपका पूरा पैसा उनके लिए उनके ही फंड में जाएगा, केरला गवर्नमेंट के फंड में जाएगा, जिससे किसी का पेट भर सकता है, किसी को कपड़े मिल सकते हैं। तो भाई जरूर इसमें आप हिस्सा लीजिए बढ़ चढ़ करके। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरे चैनल का नाम है किंग्स किचन। केरला में आई हुई बाढ़ के लिए जितने भी लोगों ने अपने अपनों को खोया और अपनी जान को खोया, उन सभी भाइयों को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।